जो अपन आज हेरोन्स फॉर्मूला में सीखेंगे, जो मेन चीज सीखेंगे वो हम सीखेंगे स्ट्रेट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाला जाता है और क्या यूज होता है उसका। तो सर देखो यार, आपके सामने अगर एक क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए लेट्स से एग्जांपल ए बी सी और डी है आपके पास। लेट्स से अगर आपके पास ये 15 है, अगर मैं बात करूं अच्छे से, चले 15, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास लेट्स से अगर 7 है, और ये आपके पास क्या है 6, ये आपके पास क्या है 6। अगर अपन बात, तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो मेरे पास बहुत अच्छी बात थी, मैं उसी दिन जीत जाता जिस दिन मुझे ट्रेपेजियम की हाइट मिल जाती। क्या मिल जाती? हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ बी वन प्लस बी टू इंटू कितना? हाइट। बी वन प्लस बी टू इंटू हाइट मतलब बेस वन, दिस इज बेस वन, दिस इज बेस टू इंटू कितना? हाइट। मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो पहले ही सेट था, हाफ बेस वन कितना है 10, बेस टू कितना है 15 इंटू कितना हाइट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब हाइट कैसे निकाल? हाइट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सिर्फ इस हाइट के लिए अपन एक रामायण रचेंगे और उस रामायण के किरदार होंगे ड्रॉ बी ई पैरेलल टू, ड्रॉ एडी बी ई पैरेलल टू ए डी। बी पैरेलल टू कितना? एडी ए डी। अगर आपने बी ई पैरेलल टू क्या बना दी? ए डी। एक और ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली ए बी थी वो तो पैरेलल टू क्या थी? डी ई। पैरेलल तो सर ये जो आपने करा, ये आपको क्या था? कंस्ट्रक्शन। क्या था आपके पास? कि आपने बी ई बना ली क्या पैरेलल टू कितना? ए डी। बी पैरेलल टू कितना बना ली आपने? ए डी। तो सर अब इसमें आप क्या नया सिखाओगे? मैं नया ये सिखाऊंगा कि इस केस में ये इससे पैरेलल हो गई और ये आपने इससे पैरेलल बना दी, तो ऐसे केस में आपके पास ए बी ई डी इज वॉट? ए बी ई डी इज वॉट? पैरेललोग्राम। तो सर आपके पास ए बी ई डी क्या है? आपके पास पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या है आपके पास? तो सर ठीक है, अगर अपन बात करें कि ए बी ई डी पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू कितना हो गया 10, और ए डी इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब सर ये पूरी तो 15 थी, 15 में से 10 तो कट गए आप, कितनी? 5। अब आएगा मजा। सर इसमें आप क्या मजा लाओगे? मैं तो बोलूंगा कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? तो सर इसमें एस कितना निकलेगा? 7 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो 18 डिवाइड बाय 2, 9। हाँ कि ना? तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या निकालोगे? अगर अपन बात करें अंडर रूट ऑफ कितना? एस 9 माइनस 5 9 माइनस 6 और 9 माइनस कितना 7, 9 माइनस 6 और 9 माइनस कितना 7। सर ये भी ठीक है। तो सर अगर अपन बात करें, मैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस, मतलब बेस कितना है इसका 5, इंटू हाइट भी लिख सकता था, हाइट नहीं। अब मुझे कोई बच्चा बोलेगा कि सर इस अंडर रूट ऑफ 9 को तो आप बाहर लिख के लिख सकते हो, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2। सही क्या है? तो सर अब ऐसे में अपन करेंगे क्या? ऐसे में अपन करेंगे 5 बाय 2 इंटू हाइट इज इक्वल टू 3, रूट 4 कितना हो जाएगा 2। ठीक है क्या? कोई मुझसे पूछेगा सर हाइट कितनी आ गई, मैं बोलूंगा देख भाई हाइट के लिए इसको भेजता हूँ ऊपर, इसको भेजता हूँ नीचे। तो अगर किसी को समझना हो तो हाइट के लिए इसको भेजा ऊपर और इस 5 को भेज दूंगा कहाँ पे? नीचे। शायद हाइट इज इक्वल टू 6 रूट 6 इंटू 2 अपॉन में कितना 5, तो डेट वुड बी 12 रूट 6 अपॉन में कितना 5। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? हाइट।
ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, तो हाइट इज 12√6 अपॉन में कितना 5। तो सर यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए चाहिए क्या था, हाफ 25 इंटू कितना हाइट, और हाइट आपके पास है ही कितना 12√6 अपॉन में कितना 5। ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 6 जा, 6 5 जा कितना हो गया 30। इट वुड बी 30√6, 30√6। सर एक क्वेश्चन पहले और करते हैं, फिर इसको समझेंगे आराम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकाला जा सकता है। तो सर अगर हम आपकी बात माने, तो अगर अपन फिर से एक ट्रेपेजियम बनाए और उसके अंदर अपन थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश करें, तो सर आप समझाना क्या चाहते हैं? मैंने बोला देखो यार, लेट्स से ये 20 गिवन है, ये 10 गिवन है, ये 8 गिवन है, और अगर मैं बात करूं तो ठीक है ये भी 8 गिवन है, ठीक है। सर ऐसे में हमारा पूरा एम किस तरफ होगा? सर आपका पूरा एम होगा कि आपको क्या निकालनी है, हाइट, क्या निकालनी है हाइट। मुझ जैसा इंसान तो पहले करेगा इसमें ड्रॉ बी ई पैरेलल टू कितना एडी, और ऑटोमेटिकली ए बी पैरेलल टू कितना है डी, तो बी पैरेलल टू कितना करेगा एडी, और ए बी पैरेलल टू कितना है डी ऑलरेडी, तो इसका मतलब ए बी ई डी इज व्हाट। सर ए बी ई डी अगर पैरेललोग्राम हो गया तो ये 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8। सर कहीं ना कहीं ये 10 हो, तो बची भी कितनी होगी 10, क्योंकि ये पूरी कितनी 20, हाँ कि ना भाई, पूरी ये ऊपर वाली 10, तो नीचे का इतना हिस्सा 10, बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 10, ठीक है क्या। अब अगर सर आपसे बात करें तो क्या आप एस पे फोकस करोगे? मैंने बोला हाँ एस निकालता हूँ इस ट्राइंगल के लिए, बी सी ई के लिए 8+8 कोई गारंटी है ही नहीं ना, दिख तो कहाँ रहा है, डिवाइड बाय 2 एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 30। ऐसे केस में कोई मुझसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र करे तो वो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र और बातें अगर हम आपसे करें तो हम किस तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 × 13 − 8 13 − 8 13 − 10, सही है हाँ कि ना। लेकिन जो मैंने पढ़ के रखा है बचपन से अगर बात करूं तो वो तो क्या पढ़ के रखा है, अगर अपन बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हाफ बेस इंटू कितना, तो मैं लिख दूंगा हाफ बेस कितना है इसका 10 इंटू कितना हाइट इज इक्वल टू, ये चल रहा है वो क्या चल रहा है अगर अपन देखें 13 × 5 × 5 × कितना 3, 5 बाहर आ जाएगा, ये 1 जा, ये 5 जा, 5 × h इज इक्वल टू 5√39। सर 5 से 5 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हाइट इज इक्वल टू कितनी आ गई √39। पता नहीं क्यों मेरे को ये तो पता है कि √36 कितना होगा 6, तो ये 6.2 के आसपास कुछ लग रहा है या 6.3, 6.2 पता नहीं, क्योंकि √49 तो कितना होता है 7, तो 7 तो बहुत दूर है 6.2, तो ये 6.2 के आसपास कुछ हो सकता है, करके देख सकते हो कि 6.2 कितना आ रहा है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। सर रही बात एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो जाएगा हाफ b1 + b2 इंटू कितना हाइट, हाफ b1 प्लस, तो b1 तुम्हारे पास कितना है पूरा बेस 1 कितना था 20 प्लस बेस 2 कितना था 10 इंटू हाइट कितनी आ गई 6.2, तो शायद ये 1 जा और ये कितना कट के 3.1 जा, तो 30 × 3.1 शायद 9.3 आ जाए। चेक करो, समझो, फिर आगे बात करो।